केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी पर्यावरण को लेकर काफी संवेदनशील हैं। उनकी हर परियोजना में विकास के साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्हीं की सूचना अनुसार ग्लोबल वार्मिंग तथा प्रदूषण को कम करने हेतु पिछले साल से नागपुर शहर में वृक्षारोपण का काम काफी तेजी से चल रहा है। नागपुर शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने वाली एवं पर्यावरण का संतुलन रखने वाली ये परियोजना केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की सुदूर दृष्टि का तथा पर्यावरण के प्रति सजगता का जीता जागता उदाहरण है। पीडब्ल्यूडी द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना के सलाहकार प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्रज्ञ श्री दिलीप चिंस मलातपुरे हैं तथा इसे आरपीएस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस परियोजना की विशेषताओं को। नागपुर शहर में सड़कों के दो तरफा तथा विभाजकों पर तरह तरह के पेड़ों का रोपण किया जा रहा है। सड़क विभाजकों पर ये रोपण तीन स्तरों पर किया जा रहा है। पहला स्तर 2 फीट की ऊंचाई पर है, जिसमें बोगेनवेलिया के कॉन्ट्रास्ट रंग के पौधे लगाए गए हैं। दूसरा स्तर जो 4 फीट पर है, उसमें अलग रंग के फूलों वाले पौधे हैं। तीसरा तथा अंतिम स्तर लगभग 8 से 10 फीट ऊंचाई पर है, जिसमें देसी पेड़ लगाए गए हैं। इन पौधों का चयन वनस्पति वैज्ञानिकों से इस प्रकार किया गया है कि बारी बारी से इनके फूलों की बहार पूरे साल तक खिली रहे और पूरे वर्ष हर मौसम में इनका सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर रहे। इस लहलहाती हरियाली और हरदम खिले रंग बिरंगी फूलों का विहंगम दृश्य देख यात्रियों की मनोवृत्ति उल्लास से युक्त रहेगी और सफर की थकान कम करेगी। इन पौधों को इस प्रकार से सुरक्षित किया गया है कि इन्हें मवेशी खा नहीं पाएंगे, न ही किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकेंगे। अब नागपुर शहर के कुल 27 किलोमीटर रिंग रोड पर लगभग 19 प्रकार की हरित रचनाओं का आविष्कार किया गया है, जिसे अब पूरे शहर में संपन्न किया जाएगा। नागपुर की तेज गर्मी और शुष्क वातावरण को मद्देनजर रखते हुए इस तापमान और वातावरण का मुकाबला करने वाले तथा सिंचाई के लिए कम पानी का उपयोग होने वाले पौधे लगाए गए हैं। सड़क के दो तरफा फल देने वाले देसी वृक्षों का रोपण किया जा रहा है, जिसमें पक्षी अपना घोंसला बना सकें और निसर्ग में अपनी संख्या को नियमित कर सकें। इस हरियाली की सिंचाई स्वरूप उपयोग होने वाला पानी नाग नदी पर निर्मित 8 से 10 फिल्ट्रेशन प्लांट से मुहैया किया जा रहा है। इन पेड़ पौधों के उत्तम पोषण के लिए नागपुर शहर में जमा होने वाले गीले कचरे एवं भांडेवाड़ी स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जमा हुए मल से बनी उपयुक्त खाद का इस्तेमाल होगा। नागपुर शहर में कुल 12 तालाब हैं, जिससे निकली हुई उपजाऊ मिट्टी इन पौधों को बोने में इस्तेमाल हो रही है। इस अनूठे और सुनियोजित परियोजना के फायदे इस प्रकार हैं। सड़क विभाजक पर बनी तीन स्तर वाली हरियाली से विभाजक पर एक हरी दीवार सी बन जाएगी, जिससे सामने की ओर से आने वाले वाहन की रोशनी सीधे आंखों में आने से रुक जाएगी, जिससे दुर्घटना की मात्रा कम होगी। साथ ही गतिमान वाहनों से पैदा होती धूल मिट्टी सड़क की दूसरी तरफ जाने से प्रतिबंधित होगी। पूरे शहर में अलग अलग 150 से 175 किस्म के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे वनस्पति विज्ञान के छात्रों को अपने वानस्पतिक भ्रमण अभ्यास हेतु किसी अन्य शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सड़क विभाजक जहां खत्म होते हैं, वहां 150 फीट तक कोई वृक्ष नहीं बल्कि सिर्फ हरे दूरवा क्षेत्र होंगे, जिससे वाहनों को मुड़ते वक्त होने वाले दुर्घटनाओं का खतरा लगभग टल ही जाएगा। वृक्षारोपण से नागपुर के जल के स्रोत समृद्ध होंगे तथा ओजोन परत सुरक्षित रहेगी। हर परियोजना को अनूठे ढंग से सोचकर उसकी आपूर्ति के लिए जुटने वाले केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का मानना है कि सियासत का प्रथम और अंतिम उद्देश्य देश की जनता का सामाजिक एवं आर्थिक विकास है। उनके द्वारा की गई हर परियोजना इसी तेजस्वी विचार से प्रेरित है। नागपुर शहर में चल रहे वृक्षारोपण एवं सौंदर्यीकरण की ये पर्यावरण पूरक परियोजना भी इसी को दर्शाती है। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की देश के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को संपूर्ण देश की जनता तथा आम नागपुरवासी भी न सिर्फ महसूस कर रही है, बल्कि उन्हें ये भरोसा भी है कि गडकरी जी के रहते विकास की ये धारा लगातार बहती रहेगी। अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से संपन्न नागपुर की धरोहर इस वृक्षारोपण परियोजना से और सुजलाम और सुफलाम होगी, ये सुनिश्चित है।